गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मेनिंजाइटिस के बारे पढ़ेंगे। मेनिंजाइटिस जो है एक न्यूरोवास्कुलर सिस्टम का एक डिजीज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। मेनिंजाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मीनिंग एंड द फ्लूइड फील्ड स्पेस बिटवीन मेनिंजस सब एरोकोनॉइड स्पेस कैन बी कॉज बाई बैक्टीरियल वायरल एंड फंगाई। मेनिंजाइटिस जो होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाले टिश्यू जिसको हम मेनिंजस बोलते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर उसके जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है उसमें किसी प्रकार का फ्लूइड फिल हो जाता है जो कि बैक्टीरियल वायरल या फिर फंगाई कारण कॉज होता है, तो उसको हम जो है मेनिंजाइटिस कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं उसका डेफिनेशंस। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली जो सराउंडिंग टिश्यू होता है जिसको हम मेनिंजस बोलते हैं, उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको जो हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। जो मेनिंजस होता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको जो हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। फिर उसका जो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेनिंजस का हम इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। मेनिंजस जो है वो हमारे ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करके रखती है और ये जो है उसको कवर करके रखती है। इसमें जो है मेनली थ्री लेयर होते हैं। एक होता है पाया मैटर, एक होता है ड्यूरा मैटर और बीच का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एरोकोनॉइड मैटर। तो इसमें हम एक एक करके तीनों लेयर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं उसका पायामेटर्स। पायामेटर्स इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजस। इट इज़ अ थिन फाइब्रस टिश्यू दैट सराउंडेड द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन द अदर्स लेयर ऑफ द मेनिंजस। पायामेटर्स जो है ये सबसे इनर लेयर होता है मेनिंजस का, जो कि क्या करता है थिन फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना हुआ रहता है, जो कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से कवर रहता है और ये बाकी के जो लेयर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसमें जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं तो इसको जो हम पायामेटर्स कहते हैं। फिर दूसरा लेयर होता है एरोकोनॉइड मैटर। एरोकोनॉइड मैटर जो है ये मिडल लेयर होता है मेनिंजस का, जो कि पायामेटर और ड्यूरा मैटर को सेपरेट करके रखता है, मतलब कि ये दोनों को अलग करके रखता है। ये जो है इसके बीच में जो ड्यूरा मैटर और एरोकोनॉइड इस मैटर के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। फिर तीसरा है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो है ये सबसे आउटर लेयर होता है मेनिंजस का, जो कि जो दोनों लेयर होते हैं उनसे ये आगे के जो दोनों लेयर होते हैं उससे स्ट्रॉन्ग होता है और ठीक होता है और जो है डेंस मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है और इसमें जो है किसी प्रकार का ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। फिर इसके हम मेनिंजस के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मतलब कि जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया का कॉज होता है और उसकी वजह से हमारे मेनिंजस में इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसमें बताया गया है कि पायोजेनिक बैक्टीरिया। पायोजेनिक बैक्टीरिया मतलब कि जहाँ पे हमारा इन्फेक्शन कॉज होता है वहाँ पे अगर उस इन्फेक्शन वाले पार्ट पे अगर पॉस फिल हो जाता है, पॉस एक्युमुलेट हो जाता है, तो उसको जो हम पायोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया बताए गए जो पायोजेनिक बैक्टीरिया हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मेनिंगोकोकस, परमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया जो है जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं वहाँ पे जो है पॉस फिल कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। फिर दूसरा है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ के कारण जो है मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, मेनिंजस में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। ये जो है थोड़ा कॉमन होता है और जो है ये इसके सिम्टम्स जो है वो इन्फ्लुएंजा के सिमिलर होते हैं। जो भी फ्लू में सिम्टम्स शो होते हैं वो जो है वो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में वही सिम्टम्स शो होते हैं। फिर है तीसरा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है, जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस में कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस, वही बैक्टीरिया जो है हमारे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में भी कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस में जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कॉज करता है, तो इसमें भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ही इसको कॉज करता है, इसलिए इसको जो है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहा जाता है।
फिर इसका इटियोलॉजी देख लेंगे कि क्या क्या कारण की वजह से जो है हमारा मेनिंजाइटिस कॉज होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और हीमोफिलस बैक्टीरिया। फिर है वायरल, वायरल में एचआईवी वायरल का विडाल वेस्ट लाइन वायरस, वेस्ट लाइन वायरस के कारण कॉज होता है। और किसी प्रकार का ट्रॉमा, अगर हमारे ब्रेन में किसी प्रकार का ट्रॉमा हो जाता है, मतलब कि उसको इंजरी हो जाता है, तो उसके कारण से भी हमारा ब्रेन ब्रेन हमारे स्कल जो है डैमेज हो सकता है, और उससे जो है मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। चिल्ड्रन विथ रिड्यूस इम्यूनिटी, अगर किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही वीक है, उसका इम्यूनिटी जो है बहुत ही कमज़ोर है, तो इस कारण से भी उसको मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। फिर है लास्ट साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस मतलब कि जो हमारे साइनस होता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको जो हम साइनोसाइटिस बोलते हैं, इसके कारण से भी हमारा मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। फिर उसका हम इसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि जो मेनिंजाइटिस होता है वो कैसे फॉर्म होता है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें जो बैक्टीरिया जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, ब्लड स्ट्रीम मतलब वो ब्लड में हमारे इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे और वो जो हमारे फिर एंटर करता है मस्कुलर म्यूकोसल सरफेस पे। म्यूकोसल सरफेस मतलब होता है कि जो ब्रेन में जो छोटे छोटे लाइन्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम म्यूकोसल सरफेस कहते हैं, तो उसमें जो है एंटर करता है। फिर उसके बाद उसका जो म्यूकोसल सरफेस में एंटर करने के बाद जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है, और हमारे ब्लड में जो है जो अननेसेसरी सब्सटेंस रहते हैं उनको जो है वो इनहिबिट कर देता है, मतलब कि उनको जान अंदर एंटर करने नहीं देता है। फिर वो जो ब्लड होता है उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है, फिर उसमें जो है BBB मतलब कि ब्लड ब्रेन बेरियम रहता है, जो कि एक ब्रेन में BBB रहता है, ब्लड ब्रेन बेरियम, जो कि एक गेट का काम करता है, जो हमारे हमारे ब्लड में जो अननेसेसरी सब्सटेंस रहता है उसको रोक के रखता है, और जो भी हमको नेसेसरी रहता है उसको जाने देता है अंदर की ओर। फिर ये जो ब्लड जो है हमारे प्रोलिफरेट इन CSF है, मतलब कि वो जो है हमारे वहाँ पे रिपीडली ग्रोथ करने लगता है, और CSF में इसका जो है रिपीडली ग्रोथ होने लगता है, जिसके कारण से ये मेनिंजस में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और इसमें जो है इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से। फिर उसके बाद जो है हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि इसके क्या क्या सैनम सिम्टम्स हो गए। तब सबसे पहले जो है इसको फीवर हो सकता है, चील्स हो सकता है, और जो है मालेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब होता है कि उसको जो है लाइट से जो है उसको डर लगेगा, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। फिर है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब कि उसका जो हार्ट रेट जो है उसका स्लो हो सकता है। फिर उसका हम डायग्नोस्टिक एवलुएशन देखेंगे, डायग्नोस्टिक एवलुएशन में उसका सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसका हिस्ट्री कलेक्शन में जो है उसको कोई पास्ट कोई बीमारी तो नहीं था, उसके फैमिली में किसी को कोई ऐसे न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन तो नहीं था, कोई बीमारी तो नहीं था न्यूरोलॉजिकल, और जो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके हेड टू टो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर MRI करेंगे, MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसका जो है हम MRI करेंगे। फिर CT स्कैन करेंगे, उसके स्कल का जो है हम CT स्कैन करेंगे। फिर स्कल एक्सरे करेंगे, जो स्कल है उसका एक्सरे करेंगे। फिर ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे उसका। फिर उसका देखते हैं हम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में सबसे पहले देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय IV फ्लूइड थेरेपी, उसके जो भी जो क्या बोलते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है उसको जो हम IV फ्लूइड दे करके उसको जो है बैलेंस करेंगे। फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग्स, जब वो जो है उसको मेनिंजाइटिस होगा तो वो जो है अच्छे से न्यूट्रिशन ले नहीं पाएगा, तो उसको जो है हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू उसको फिट कराएंगे, जिस हम उसको उसको जो है क्या बोलते हैं राइस ट्यूब डाल करके उसको जो है हम फिट कराएंगे, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मिल सके। फिर उसको विटामिन सप्लीमेंट टू चिल्ड्रंस, अगर किसी बच्चे को मेनिंजाइटिस होता है तो उसको जो है विटामिन सप्लीमेंट हम प्रोवाइड करेंगे।
हैड इन एलिवेशन 30 to 45 डिग्री। उसके जो हैड हॉट के इंड को जो है एलिवेट करेंगे 30 to 45 डिग्री पे। फिर इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे उसको जो है, इमोशनली उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको गाइड करेंगे। प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्टेबल टू चिल्ड्रंस, अगर कुछ बच्चा है तो उसको जो है प्रॉपर रेस्ट के लिए बोलेंगे और उसको जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसको आराम मिल सके। फिर प्रॉपर फॉलोअप के लिए बोलना है उसको और रिहैबिलिटेशन थेरेपी प्रोवाइड करना है। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में उसको एम्पीसिलिन देंगे, पेनिसिलिन दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। ये जो है सब एंटीबायोटिक्स जो है मेडिसिन हैं। फिर एंटी वायरल ड्रग देंगे। एंटी वायरल ड्रग में टेनोफोविर देंगे उसको, टेनोफोविर दे सकते हैं उसको। और एंटी फंगल्स में फ्लोकोनाजोल दे सकते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में उसको जो है डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, बीटामेथासोन दे सकते हैं। ये सब जो है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होते हैं। फिर उसको एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। एंटीपायरेटिक ड्रग में जो है एसिटामिनोफेन जिसको हम PCM भी बोलते हैं, ये ड्रग उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में ऑब्टेन अ हिस्ट्री ऑफ रिसेंट इन्फेक्शन सच एज अ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड एक्सपोजर टू पॉजिटिव एजेंट्स, मतलब जो भी उसको रिसेंट में जो भी उसको इन्फेक्शन हुआ है उसको जो है हम पूछेंगे अगर किसी प्रकार का उसको रिसेंट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है और उसको जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है उसके पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में पता लगाएंगे। फिर असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड वाइटल साइंस, उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स तो नहीं प्रेजेंट है उसको असेस करेंगे और उसको जो है उसके वाइटल साइंस को प्रॉपर मॉनिटर करेंगे। असेस सेंसरी न्यूरोलॉजिकल हेयरिंग लॉस, उसमें उसको देखेंगे कि उसका हेयरिंग लॉस तो नहीं हो गया है, क्रेनियल नर्व डैमेज तो नहीं हो गया है और डिटरमाइन करेंगे उसके कॉग्निटिव फंक्शंस, जो उसके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो जो है उसका मेमोरी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो किसी भी चीज़ को अच्छे से याद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को हम असेस करेंगे, चेक करेंगे। फिर इसका जो है हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले जो है हाइड्रोसिफेलस मतलब कि जब हमारे हाइड्रोसिफेलस मतलब दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर और सिफेलस मतलब होता है हेड, तो ये जब हमारे हेड में जो वाटर फील हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, मतलब कि हमारे ब्रेन में जो है CSF फ्लूइड जो है फील हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। फिर है ब्रेन एब्सेंस मतलब कि जब हमारे ब्रेन में पस फॉर्मेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेन एब्सेंस। तो फिर इसके बाद है इनसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम इनसेफेलाइटिस। फिर इंडोकार्डाइटिस मतलब कि जब हार्ट के इनर लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंडोकार्डाइटिस। सबड्यूरल इन्फ्यूज़न जब हमारे सबड्यूरल में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, सबड्यूरल स्पेस में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं सबड्यूरल इन्फ्यूज़न। फिर है विजन लॉस मतलब कि वो उसको देखने में प्रॉब्लम जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं विजन लॉस। फिर हेयरिंग लॉस उसको जो है सुनाई नहीं देगा अच्छे से तो उसको हम बोलते हैं हेयरिंग लॉस। फिर उसका प्रिवेंशन देखेंगे। रूटीन इम्यूनाइजेशन इन हेल्पफुल इन द प्रिवेंटिंग मेनिंजाइटिस, उसको जो है जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रहता है उसको जो बचपन में जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रहता है उसको जो है उसको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे। फिर वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजल्स मम्स पोलियो मेनिंगोकोकल्स एंड प्रीमेनोकोकस ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम मेनिंजाइटिस, जो भी हम बचपन में जो भी वैक्सीन लगाना रहता है जैसे कि पोलियो वैक्सीन, मेनिंगोकोकस वैक्सीन, प्रीमेनोकोकस वैक्सीन, ये सब जो है हमको प्रॉपर तरीके से लगाना है। फिर जो है 3 डोज ऑफ HIV वैक्सीन
शुड बी गिवेन द चिल्ड्रन, जो उसको जो है HIV का वैक्सीन भी प्रोवाइड करना है चिल्ड्रंस को।